निर्मला श्रीवास्तव जी लखनऊ से है। एकादशी उद्यापन कैसे करें, क्या करें, बहुत दिनों से एकादशी व्रत कर रहे हैं। निर्मला जी, एकादशी व्रत के उद्यापन की जो विधि है वो इस प्रकार है कि एकादशी के दिन 26 जोड़े ब्राह्मण करके उनको फलहार कराना है, यथा योग्य दक्षिणा और वस्त्र आदि दान करने हैं, विधि पूर्वक भगवान नारायण का, बालकृष्ण का अर्चन करना है, तुलसी सहस्त्र अर्चन करें, सफेद तिल से अर्चन करें, पंचामृत आदि से शालिग्राम जी का अभिषेक कराना है, शालिग्राम जी का अभिषेक हो, तुलसी और तिल से सहस्त्र अर्चन हो। अगले दिन द्वादशी तिथि में उन्हीं ब्राह्मणों को दोबारा आमंत्रित किया जाए, द्वादशी में हवन होगा और हवन के साथ में ब्राह्मण भोज और दक्षिणा प्रसाद वितरण जो भी है उनको करना, दक्षिणा देनी है, भोजन करना है, सौभाग्य द्रव्य स्त्रियों को प्रदान करना है, उसमें और भी तरह तरह की सामग्रियां दान करने का विधान है, जैसे कि वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, तिलदान आदि आदि दान। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जैसी आपकी व्यवस्था हो कर ले। अनिवार्य यह है कि भगवान की पूजा हो जाए, हवन हो जाए, ब्राह्मणों का भोज हो जाए, यथाशक्ति दक्षिणा और वस्त्र आदि का दान हो जाए। तो इस तरह से एकादशी उद्यापन करें। एकादशी उद्यापन सभी को करना चाहिए, सभी व्रतों का उद्यापन करना चाहिए।